साल तक नेताओं ने कहा और जनता ने सुना, अब जनता कहेगी और नेता सुनेंगे, क्योंकि वोटर तो बोलता है। जी हाँ, वोटर तो बोलता है। स्वागत है आपका के न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वोटर तो बोलता है, और मैं हूँ आपके साथ प्रमोद शर्मा। आज हम पहुंचे हैं संभल जनपद के असमौली विधानसभा क्षेत्र में। 2012 में यह विधानसभा सीट अस्तित्व में आई थी। समाजवादी पार्टी की पिंकी यादव यहां से मौजूदा विधायक हैं। इस बार वो फिर से मैदान में हैं। असमौली मूलतः ग्रामीण क्षेत्र है, यहां पर किसान बहुल क्षेत्र इसको कहा जाता है। करीब 3 लाख यहां पर मतदाता हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं वो तमाम उन ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही हैं जैसे बाकी इलाकों में हम देख रहे हैं या हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर असमौली विधानसभा तो सरकार ने बना दी, लेकिन अभी तक ये ना नगर पंचायत बन पाई है ना नगर पालिका बन पाई है। ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि आज भी असमौली एक ग्राम पंचायत के तौर पर ही है। इससे यहाँ के विकास पर भी खासा असर पड़ रहा है। यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि भी हैं। हालांकि सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था, लेकिन बीएसपी के प्रतिनिधि किसी भी कारणवश से नहीं आ पाए। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी कुर्सी है। समाजवादी पार्टी की जो मौजूदा विधायक हैं पिंकी यादव, उनको भी बुलाया था, वो नहीं आई, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। और बाकी जो बीजेपी के प्रत्याशी भी नहीं आए हैं, उनके प्रतिनिधि भी हमारे बीच में हैं। बीजेपी से अवधेश यादव हमारे साथ हैं, और मुकेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो पिंकी यादव जी के जो उम्मीदें हैं लोगों की उसको लेकर, या जो वो काम उन्होंने नहीं किए उनको लेकर जवाब देंगे। और बाकी इस गांव के जो प्रधान हैं, जो सर्वेश यादव जी, वो भी हमारे साथ हैं। माताएं बहनें सब लोग हैं, नौजवान भी हैं। हम सबसे बारी बारी से सवाल पूछेंगे, लेकिन इसके पहले हम सबसे ये अनुरोध भी करेंगे कि आपको मतदान जरूर करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी सरकार पर सवालिया निशान लगाते हैं उसके कार्यप्रणाली को लेकर, तो उस सरकार को चुना हमने ही होता है, और सरकार ने और संविधान ने हमको मतदान का अधिकार दिया है ताकि हम एक योग्य जनप्रतिनिधि चुन सकें। तो ये हमारा अधिकार भी है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपना वोट जरूर डालें। इसीलिए के न्यूज की खास पेश कर वोटर तो बोलेगा में हम सब लोगों से ये अनुरोध लगातार कर रहे हैं कि वो अपना वोट जरूर डालेंगे। तो मैं आज आप सब लोगों से ही पूछूंगा, आप लोग अपना वोट डालेंगे? हाथ उठा के कहिए कि आप लोग वोट डालेंगे। जी, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिरकार यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। जी, यहाँ काफी समस्याएं तो सोल्व हो गई हैं। जैसे हमारे यहाँ बिजली की समस्या थी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में बिजली घर 9 बिजली घर लगे हैं, जिससे हमें जो है काफी सहूलियत मिली है, भराई सिंचाई करने में भी जो है। हाँ, और सड़कों का भी विकास हुआ है इन 5 सालों में। इतना विकास तो जो है कभी नहीं हुआ जितना विकास जो है इन 5 वर्षों में हुआ है। मतलब जो विकास हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? जो 5 साल में विकास की बात हो रही हुआ है, असमौली विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है, किस कारण से इन लोगों ने किया है, और शिक्षा का निरंतर इतना अभाव है यहाँ पर कि ये असमौली से आगे हम बढ़ेंगे तो एक भूड़ का हिस्सा पड़ता है, जहाँ मूलतः स्कूल नई गांव में विद्युतीकरण है, कहीं पर कोई मूलभूत सुविधाएं, लगता है जैसे ये क्षेत्र जो है आज के क्षेत्र 20 साल पीछे चल रहा है, इतनी बुरी स्थितियां हैं वहां पर। जी, आपका कहना है कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और विकास की दौड़ में कहीं पिछड़ गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की यहाँ मौजूदा विधायक थी, आपकी सरकार भी थी। मुकेश जी, कितना सही है जो बीजेपी का आरोप है? निवेदन करूंगा, या आपकी टीम से निवेदन करूंगा, आप कोई से भी क्षेत्र से निकाल जाइए, अगर एक भी सड़क कच्ची हो वहां तो आप हमें आरोप लगा। 584 करोड़ के काम असमौली में विधायक जी ने कराए हैं। 33 केवी का बिजली घर असमौली में बनकर तैयार है, 9 बिजली घर छोटे यहाँ बने हुए हैं। और कल मैं एक गांव में सभा कर रहा था, वहाँ एक विशेष समाज के लोग ये कह रहे थे, और बीजेपी वालों ने अपने एजेंडे में लिखा कि हम
देहात को 12 घंटे बिजली देंगे, बड़ी सुनकर भी हंसी आई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 18 घंटे बिजली दे रखी है। असमौली विधानसभा नगर पालिका क्यों नहीं बनी? असमौली आज भी ग्राम पंचायत क्यों है? मैं बताना चाहूंगा आदरणीय शर्मा जी, ये जो विधानसभा असमौली बनी है, ये 5 विधानसभाओं से कट के बनी जी। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री की आज जनसभा थी, उसमें उन्होंने ये वादा किया है कि ये तहसील बनेगी, लेकिन हम बाकी लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि तहसील बनने के अलावा या नगर पालिका जो उनकी डिमांड है, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं, समस्याओं के लिए यहाँ पर क्या लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज है। जी मैं कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि सड़कें यहाँ पर पक्की हैं, असमोली से सकरपुर सोत और ये जो मवई ठकुरान है और ये सायपुर है, यहाँ की सड़कें देख लीजिए आप जाकर, कितने अड्डी गड्ढा है, अगर अच्छा आदमी भी चलाता है तो वो भी मर जाएगा। देखिए वो इनके सामने ही साफ साफ कह रहे हैं कि सड़कों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं असमौली में खराब सड़कों की, हालांकि समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी विकास के काम हुए हैं, पहले ये संभल का हिस्सा थी, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो शायद संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। जी मैं यहाँ के आम नागरिक हूँ, मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं किसी सरकार के बारे में नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं नहीं जानती कौन सी सरकार क्या कर रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ पहली बात तो वोट सभी को देना चाहिए, अपना मतदान करना चाहिए और स्वेच्छा से। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आज के टाइम में जो बहन बेटी महिला ये हैं, ये मैं देख रही हूँ और सुनती भी हूँ और आए दिन आते भी रहते हैं अखबार में, महिला और बहन बेटी कोई सुरक्षित आज के दौर में नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल वो उठा रही हैं, वो कह रही हैं महिलाओं के जो सुरक्षा का मसला है वो गंभीर है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियां भी, उनकी सरकार है, उन्हीं से मैं पूछूंगा सीधे, आप बताइए क्या कहेंगे। देखिए अभी हमारी बहन जी ने दोनों सवाल रखे, एक ने कहा सड़कों में गड्ढे हैं, मैं इनसे बताना चाहूंगा असमौली से और ये लोधीपुर वाला मार्ग अभी 34 करोड़ की लागत से, ऐसा लगा अगर बहन जी हमारी गई होंगी और इनकी अगर गाड़ी जाएगी और गिलास में पानी लेके बैठ जाएंगी तो हमें उम्मीद है गिलास का पानी भी नहीं छलकने का। एक सड़क मनोटा से लगा के चौधरपुर तक, सहज नगली तक, ये जो सड़क बनी है इसका भी चौड़ीकरण हुआ है, 36 करोड़ की लागत से बनी है। अभी हमारी एक बहन जी ने सवाल रखा कि बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, अरे क्या बात कर रही हैं बहन जी आप, अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चला दी है, अगर आपको कोई परेशानी हो या किसी बहन बेटी कोई परेशानी हो आप फोन तो करें 100 नंबर पे, 10 मिनट के अंदर अंदर अगर ना पुलिस हम जानेंगे 100 नंबर का भी हाल, 100 नंबर का हाल जानेंगे कर रहे हैं असमौली विधानसभा क्षेत्र में, 100 नंबर का हाल, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर? देखिए मैं जो हमारे समाजवादी के प्रतिनिधि हैं और जो यहाँ सभी मतदाता हैं, पहला मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि मतदान स्वतंत्र रूप से 100% करें, उसके बाद मैं बताना चाहूंगी और समाजवादी के प्रतिनिधि जी से पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ने एक योजना चलाई है हर गर्भवती को 6,000 रुपया दिया जाएगा, इसमें ना सेक्रेटरी खाएगा ना प्रधान खाएगा ना आंगनबाड़ी खाएगी, हमें खुशी है कि हमारी गर्भवती बहना के खाते में वो पैसा जाएगा। दूसरी बात आप मेरी बात सभी सुनिए, दूसरी हौसला पोषण योजना, आप सभी मतदाता से अनुरोध है मेरा सवाल सुने, हौसला पोषण योजना 25 जुलाई से चलाई गई, 3 रुपए में हमारे युवा अखिलेश जी ने, उनकी युवा पत्नी है, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, गर्भवती को 3 रुपए का फल दिया गया यूपी में, वो कौन सा फल है अखिलेश जी बताएं जो 3 रुपए? ये सवाल हम पूछेंगे, वो कौन सा फल है जो 3 रुपए में आता है यूपी में, फिर आएंगे आपके पास, बाकी लोग भी बात कहना चाह रहे हैं आपको। मैं चाहूंगा आप यहाँ की और जो समस्याएं हैं जो यहाँ पर, और बड़ी समस्या मेन ये है कि जो हमारी सरकार ने बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए दिया है, ताकतवर बनने जो सरकार ने दिया जी, जो भैंसों को खिलाया जा रहा है गाँव में जी, ये एक बड़ा गंभीर सवाल ये उठा रही है कि जो पुष्टाहार है वो उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है, वो दिखा भी रही है, इसकी मैं जरूर ये चाहूंगा जी, पोषण नहीं बढ़ेगा इनका, ये बच्चों का पुष्टाहार है जो आंगनवाड़ी केंद्रों पे बांटा जाता है। अब ये सवाल उठेगा और हम सरकार से भी चाहेंगे, उनसे भी अनुरोध करेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इसकी पूरी जांच कराएं, जरूर इसकी जांच होनी चाहिए जी। गुणवत्ता बढ़ाई जाए,
चलिए आप बैठिए, आपके पास भी आएंगे, आपके पास आ रहे हैं। क्या कहते हैं इतना ये जो बीजेपी वाले हैं, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं यार। हर एक बच्चे को प्राइमरी स्कूल में खाना दिया जा रहा है। पुष्टाहार की बात है, हर जगह समाजवादी के लोगों ने कब्जा कर रखा है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है, इसकी जांच हो। और भाजपा सरकार आई तो इसकी हम जांच कराकर दोषियों को दंड दिलाएंगे, क्योंकि इस ये बहुत बड़ा घोटाला है इनके समाजवादी के लोगों ने। चलिए मैं ये बताइए, आपके जो लड़ रहे हैं यहाँ से प्रत्याशी नरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने अब तक इस क्षेत्र के लिए कोई खास काम किया है? नरेंद्र जी के परिवार में आज तक जब तक ये सम्भल ब्लॉक बना है, आज तक ब्लॉक प्रमुखी रही है, बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी है। इतने साल तक ब्लॉक प्रमुख रहना उनकी लोकप्रियता प्राप्त करता है। ठीक है, हम फिर आते हैं आपके पास, बाकी और महिलाओं से भी जानेंगे यहाँ का हाल, हम आपसे बात करेंगे। आप यहाँ के एकदम युवा हैं, वोट तो खैर आप डालेंगे, ये तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, और बाकी लोगों से भी वोट डलवाएंगे और सबसे डलवाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ असमौली में और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या यहाँ की उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई, जो होना चाहिए। कोई भी जीते, वोट आप किसको देंगे? बहुत बढ़िया किया है आप, अपनी विधायक से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जी जी जी, चलिए आप लोगों से पूछेंगे कि जो आप विधायक का रिपोर्ट कार्ड है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, हम चाहेंगे कि इस बार हम नया विधायक चाहते हैं। हमने सपा भी देखी और बसपा भी देखी, लेकिन हम नरेंद्र जी को देखना चाहते हैं। हम नहीं आपके पास आते हैं। जी जी, ये तो मतदाता तय करेंगे। जी आप? जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो है भाजपा सरकार आनी चाहिए, बसपा वाले। आप भाजपा सरकार क्यों आनी चाहिए, क्या आपको लगता है? आपको लगता है क्यों बदलाव आएगा? खड़े होकर बता दीजिए, आपको लगता है बीजेपी की सरकार आएगी तो बदलाव आएगा? भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा। देखो, नोटबंदी पे भी काले धन की वो करी है, इससे जनता कह रही है परेशान है, लेकिन परेशानी कुछ नहीं है। मोदी जी से संतुष्ट हैं उनके कामों से? अच्छा ठीक है, लेकिन परेशानी कुछ नहीं है। मोदी जी से संतुष्ट हैं उनके कामों से? अच्छा ठीक है, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके पास भी आएंगे अभी, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या है जो अभी होना बाकी है? पहली बात तो ये है कि मैं आदरणीय अवधेश कुमार यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि हमने हमारे उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दे दिए, जितना भी विकास यहाँ पर कराया है इस 32 विधानसभा में बहन पिंकी यादव ने कराया है। इसके अलावा अगर किसी ने विकास कराया, अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि सांसद महोदय पिछले 2.5 साल से हमारे असमोली में क्यों नहीं आए, जबकि सबसे ज्यादा वोट हमारे असमोली ने दिए उन्हें, अब तक क्यों नहीं आए बताइए? इनका सवाल जायज है कि सांसद इनके इलाके में आते नहीं हैं। हम बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा के, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनके सांसद क्यों नहीं आते हैं। लोगों की शिकायतें हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनको वोट देकर भी अपना सांसद चुना होगा। चर्चा कर रहे हैं असमौली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोगों से, तमाम वोटर तमाम बातें कर रहे हैं और अपनी बातों को साफ तौर पर रख भी रहे हैं उन लोगों के सामने जो उनके चुने हुए जो विधायक और सांसद हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। अभी लोगों ने सवाल उठाया था कि सांसद जो यहाँ के बीजेपी के चुने गए थे, सैनी साहब हैं शायद यहाँ सांसद, तो वो आते नहीं है क्षेत्र में, वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? लोग क्यों असंतुष्ट हैं, फिर वो आपको वोट क्यों करें? ये एक गलत आरोप है। सांसद जी क्षेत्र में इतने सक्रिय है कि आज तक कोई सांसद यहाँ आया नहीं। जितने सांसद संभल में बने, किसी के दर्शन क्षेत्र में नहीं हुए। आप गांव गांव जाकर देख लो, कहीं ना कहीं आपको सांसद जी की लगी हुई एक पट्टिका मिल जाएगी। रही बात काम की, सांसद जी ने गयोला से संभल रेल लाइन उन्होंने मंजूर कराई, जो आज तक हमारे माननीय मुलायम सिंह जी सांसद रहे यहां से, वो भी नहीं करा पाए। लेकिन सवाल फिर आपके पास फिर से आते हैं, हम जानेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सामने, कई चुनाव आपने देखे होंगे, तमाम चुनाव इधर देख के बताइए, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, बहुत सारे नेता आपके पास आए होंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जो यहाँ दिख रहा है आसपास, उतना विकास जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। हमारे बच्चों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल यहाँ है, क्या और चाहेंगे आप? अच्छा देखिए साहब, हमारे बूढ़े बाबू बहुत मानता है इसकी, उन्होंने यो काम कर दिया, सुलभ कर दिया बूढ़े बाबू पे पिंकी ने। अच्छा दूसरी बात,
क्या इन्होंने बहुत ऊंचा काम करा पिन के लिए इनके और सतपाल सिंह तो यहाँ जाकर वोट हमने सतपाल सिंह को दिया पर यहाँ तक पूरे गांव ने दिया हमारे वोट आपने मोदी जी के नाम पर उनको जिता दिया पर वो जाके नहीं आके यहाँ क्या मर गया असमोली मर रहे या जिंदे हैं बिल्कुल ये इनका सवाल वाजिब है क्योंकि वोटर तो बोलेगा वो बिल्कुल कहेगा अगर उसने चुना है अपना सांसद या विधायक तो उसको पूरा अधिकार है उससे सवाल करने का इसी बात सामने जी ये हमारी जो बहन पिंकी यादव ने किया जो भी किया यहाँ पे और किसी ने कुछ नहीं किया इनका कहना बहन पिंकी यादव ने किया है जी आप चलिए वो कुछ कहना नहीं चाहती हम फिर आएंगे सपा के प्रतिनिधि के पास वो कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में कुछ अपनी बात जी जी मैं बताना चाहूंगा बड़े भाई हमारे बैठे हैं अवधेश जी बड़े भाई हैं हमारे ये भोर से बिलोंग करते हैं जहां पहले बैजोई विधानसभा थी वहां पे जब हम जाते थे भोर पे लगभग 20 साल पहले तो ये समझ लो अगर गाड़ी में निकल गए तो घर तक चार पांच किलो मिट्टी ऊपर चढ़ जाती थी आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से जुड़ा हुआ ना हो केला देवी का वहाँ एक पवित्र स्थान है केला देवी मैया पहले मैं ये जानना चाहता हूँ जो यहाँ पर चीनी मिल है असमोली में सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने देखा आज यहाँ कर यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है एक चीनी मिल ही यहाँ का एक सबसे बड़ा उद्योग का एक मान लीजिए कि वही है यहाँ के किसान की निर्भरता उस पर है तो वहाँ पेमेंट की क्या स्थिति है पेमेंट किसान को मिल रही है पेमेंट बहुत टाइट कर दिया गया है विधायक जी ने पिछला पेमेंट टोटल हो गया है और इस बार का पेमेंट लगातार हो रहा है बढ़िया स्थिति है आप कुछ कहेंगे जी पेमेंट मिल रहा है पेमेंट की स्थिति बहुत खराब है किसान परेशान है और यहाँ पर विकास हुआ है यहाँ पर विकास हुआ है तो समाजवादी लोगों का हुआ है हर राशन की दुकान पर टैक्स लगा हुआ है थाने में टैक्स लगा हुआ है जनता त्रह है परेशान है लूट डकैती भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस बार असमोली की जनता बदलाव चाहती है बदलाव और बदलाव ला के दिखाएगी करिए इनका कहना है कि असमोली की जनता बदलाव चाहती है जी आप कुछ कहेंगे मैं सेवात्र का प्रधान हूँ राशिद मेरा नाम है हमारे यहाँ पर 21 करोड़ रुपए काम हुआ सेवात्र के लगे अंदर 21 करोड़ रुपए का समाजवादी ने एक गांव के अंदर नहीं मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करते हैं उनके लिए तमाम जो योजनाएं हैं क्या वो वास्तव में उनका लाभ मिला जो हमारे यहाँ पर है उनको योजनाएं दी जा रही है हमारे यहाँ समाजवादी पेंशन में 500 नाम है सेवात्र के लगे अंदर सारी पेंशनें दी जा रही है और जो हमारे यहाँ फलों की समस्या है आंगनबाड़ी की फल मैंने खुद अपने हाथ से बढ़वाए मैंने अपने हाथ से फल बनाए मौजूद स्कूल में खड़े होकर मैंने खुद अपने हाथ से बढ़वाया है हमारे यहाँ 19.5 करोड़ रुपए काम हुआ है और जब जी 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 बिल्कुल आपके पास फिर आते हैं फिर से हम पीछे जाएंगे बहुत सारे हमारे साथी रह गए आप आगे आ जाइए आप बताइए आपकी वोट है पहली बार वोट डालेंगे कि इस बार नहीं सर मैं वैसी हूँ अभी वोट नहीं अभी वोट नहीं है लेकिन क्या सर मेरा समाजवादी से सवाल है कि इन्होंने 10 साल कांग्रेस को समर्थन भी दिया है मतलब पिछले केंद्र में 10 साल में इन्होंने विकास करा कोयला घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ठीक है इन्होंने समर्थन दिया था केंद्र में सपा के प्रतिनिधि इसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहे मैं सर मैं एक सवाल हो रहे इन्होंने कहा कि हमने विकास करा हमने 100 नंबर की गाड़ियां चलाई 100 नंबर की गाड़ियां चलती हैं रात को 10 बजे तक सुबह को 5 बजे शुरू हो जाती हैं तो ये बताइए क्राइम किस टाइम होता है क्राइम होता है 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में इनका नौजवान का सवाल अच्छा है कि सुबह फिर आते हैं समय कम है फिर आते हैं आपके पास कि जो क्राइम होता है हम बाकी साथी भी रहे हैं तो हम लोग यहाँ के हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कुछ कहेंगे अपना नाम भी बता दीजिए मेरा नाम कपिल है भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है अभिजीत जी से कि हमने नोटबंदी किया उससे आम आदमी को क्या फायदा मिला उससे आम आदमी लाइन में लग गया बैंकों की हमें तो कोई फायदा लगा नहीं और जनता को फायदा लगा हो तो कहता हूँ नोटबंदी पर हम बीजेपी के पास जाएंगे समय हमारे पास कम है हम चाहेंगे फटाफट जो भी किसी को कुछ कहना हो कह दें क्योंकि समय बिल्कुल एकदम निकट आ गया कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए फटाफट मैं दुर्वेश कुमार प्रजापति ग्राम पर्यावली से 97 सड़क परिवहन पीड़ोडी की आज तक पर्यावरण में कोई विकास नलपल या सर मेरा सवाल बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं इनसे है सर अभी इन्होंने बोला कि बदलाव चाहती है जनता बदलाव चाहती है 2012 में भी इन्होंने ऐसे ही जुमले मारे थे कि बदलाव चाहती है इन्होंने बोला कांग्रेस ने जो घोटाले करे थे उनको जेल में डालेंगे रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालेंगे आप बताइए सर आप तो कोई जेल में गए यहाँ के लोगों ने वादा किया कि वो अपना वोट जरूर डालेंगे हमारी उम्मीद भी यही है के न्यूज की खास पेशकश खास अभियान भी यही है
कि यहाँ का वोटर और पूरे प्रदेश का वोटर ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग ले, अपने मत का प्रयोग करे और अपना योग्य जनप्रतिनिधि चुने। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त प्रमोद शर्मा को इजाजत। बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज।